नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से मैथ की मैजिक क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियोस की सफलता के बाद पिछले दो वीडियोस में काफी अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा, काफी बच्चों ने, काफी लोगों ने उसको सराहा और काफी लोगों ने उसको देखा और अपने कमेंट्स के द्वारा उसके बताया कि वो वीडियो उन्हें कितना पसंद आया। अब हम इस वीडियो में उस कड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं और आपसे केवल ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने चाहने वाले लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो में जरूर एक बार फिर से एंजॉय आने वाला है, एक बार फिर से मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें एक बार फिर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम दो नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन है, टू डिजिट के जो गुणा है, दो अंकों की जो गुणा है वो करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी डिजिट हमने ली, डिजिट है 6, 7, 3, 2। कोई भी डिजिट हमने यहां पर ली है और ये जो डिजिट है हम इसके मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैजिक मेथड से करेंगे। और मैजिक मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 14 का 4 हमने कैरी के रूप में 1 पुट किया, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 3 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे सामने 21 आया, 21 पुट किया, 6 2 12 को पुट किया, इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास नंबर है 4 2 और 1 3, 34 का 4 हमने यहां रखा और 3 हासिल के लिए रख दिया। अब देखिए 6 3 18, 6 3 18 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 3 18, 18 में 3 ऐड किया आ गया 21। ओके, तो 21 हमारा नंबर, हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। सो सिंपल, सिर्फ हमें हमारा जो व्यू है, देखने का जो दृष्टिकोण है, थोड़ा सा उसको बदलना है, थोड़ा सा उसको चेंज करना है। कहते हैं कि रूट रूट गाड़ी चले जो कायर और कपूत, रूट काट के तीर चले जो सिंह साईं और सपूत। हम जो पुराने रवैये से जो हम मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, उस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हमने नए अपग्रेड तरीके से किया तो हमको उसमें समय भी कम लगा है और हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फटाफट कर लिया। आगे और भी अच्छी अच्छी बेहतरीन ट्रिक्स हम पुटअप करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा कोई नंबर। चलते हैं दूसरे मल्टीप्लाई की ओर। हमने कोई मल्टीप्लाई लिया, सिंपल सा मल्टीप्लाई लिया, 13 मल्टीप्लाई बाय 46। ओके, देखते हैं फर्स्ट स्टेप, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने 6 को मल्टीप्लाई 3 से किया। ओके, 6 3 18, 18 का 8 हमने कैरी पुट किया 1, यस। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 3 4 12, 1 6 6, ओके, एंड कैलकुलेट किया तो 2 and 1 3 and 6 9 एंड 1 19, 19 का 9 और ये 1 जो है ये हमने कैरी के लिए पुट किया, एंड 4 1 4, 4 and 1 5, 5 98 इज करेक्ट आंसर। सिंपल वे के अंदर टू डिजिट का कोई सा भी अंक हो, हमें स्क्वायर निकालना हो या हमें कोई सिंपल मल्टीप्लाई करना हो, टू डिजिट का केवल 3 काम करने हैं, पीछे वाले नंबर का मल्टीप्लाई, आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई, बस सिंपल सा है। और 3 कैलकुलेशन के द्वारा, छोटी सी कैलकुलेशन के द्वारा हमने इसको फटाफट सॉल्व आउट किया। चलते हैं आगे, थोड़ा इससे अपग्रेड लेके चलते हैं, थोड़ा इससे और बड़ा लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको,
95 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43 वही करना है। 3 5 15 का 5 कैरी दिया 1 ओके। 9 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 20 एंड 9 3 27 तो हमने लिखा 5 4 20 एंड 9 3 27 सबको ऐड किया 2 2 4 ये आ गया 48 का 8 कैरी पुट किया 4 एंड 9 4 36 9 4 36 36 और 4 40 दिस इज करेक्ट आंसर। ये हमारे सामने थोड़ा सा डिजिट हमने बढ़ा लिया और सोलव किया। कोई सा भी डिजिट हो किसी भी डिजिट को आप लेकर के कोई सा भी नंबर हो टू डिजिट का जो अंक है टू डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। चलते हैं 3 डिजिट की ओर देखते हैं। 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 ये हमारे पास 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आ गया तो इट मीन्स 3 डिजिट का मल्टीप्लाई भी आ गया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है देखते हैं। 6 3 18 यस कैरी पुट किया 1 जैसे हम करते आए थे 2 डिजिट में वैसे ही करना है। 3 5 15 2 6 12 टोटल करो 5 and 1 6 एंड 2 8 1 and 1 2 28 पुट किया कैरी क्या रखी 2 ठीक है। 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में क्या करना है तीसरी स्टेप में आपको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है। देखिए तीसरी जो स्टेप है उसमें कैसे क्या करना है 1 2 3 4 5 6 ठीक है। देखो यहां तीसरी स्टेप कैसे करनी है आपको मैं तीसरी स्टेप के बारे में बता रहा हूं। तो तीसरी स्टेप में आपको 3 को 4 से 1 को 6 से एंड 2 को 5 से ठीक है। तीसरी स्टेप में जो काम करना है उसमें आपको 3 को 4 से 1 को 6 से एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं करते हैं मल्टीप्लाई। हमने सबसे पहले 3 को 4 से किया देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया चलो इसको एक बार 2 जो कैरी है ये 2 कैरी रख देते हैं आगे करते हैं इसको। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12 ठीक है 3 4 12 एंड 6 1 6 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया सो सिंपल एंड 5 2 10 ऐड करेंगे 2 2 4 and 6 10 0 1 1 2 and 1 3 क्या लिखा 0 कैरी क्या दिया 3 हमारे पास कैरी है 3। 2 स्टेप हमारी हो चुकी है। तीसरी स्टेप वापिस हमें वही कैंची गुणा वही क्रॉस मल्टीप्लाई इन नंबर का करना है ठीक है। देखे 5 2 4 8 5 1 5 सो सिंपल हमने इसको ऐड किया 5 4 8 13 एंड 3 16 16 का 6 पुट किया एंड 1 is carry ओके। नेक्स्ट इज 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 1 4 ठीक है 1 carry देन 4 and 1 5 हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज 5 6 0 8 ओके। समझ में आया बच्चों 3 डिजिट का इतना बड़ा मल्टीप्लाई छोटी सी कैलकुलेशन।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा बिल्कुल इजी वे के अंदर करके देखते हैं। तो डिजिट हम ले रहे हैं, देखें वो है 3 5 4 मल्टीप्लाई 6 2 8। कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए पहली स्टेप 8 4 जा 32 का 2 यहां लिखेंगे और 3 यहां लिखा हमने, ये 3 हमारे कैरी के लिए है, ठीक है। दूसरी जो हमारी कड़ी है आगे, इसमें देखते हैं क्या काम करना है। तो हमें वही 2 डिजिट में जो हमने सीखा था वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40 इसको हमने ऐड किया, 8 and 3 11 11 का 1 एंड 1 4 and 1 5 5 का हमने 1 पुट किया, कैरी 5 जाएगा, ठीक है, ओके। अब तीसरा काम जो करना है, तीसरा काम पे अक्सर गलतियां होती है, इसलिए इस तीसरे काम की हम जो बात कर रहे हैं, देखिए 5 को मैंने यहां पर कैरी के रूप में लिख दिया है और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 8 से करना है और बीच में जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई दे रखा है 5 को 2 से। जस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां बता दूं, 3 5 4 एंड 6 2 8। देखो तीसरी स्टेप को मैं अलग से बता रहा हूं, तीसरी स्टेप जो है उसमें कुछ नहीं करना, तीसरी स्टेप में आपको ये 4 को 6 से, ठीक है, 3 को 8 से एंड 5 को 2 से, ये तीसरी स्टेप है, ओके। देखते हैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 6 4 जा 24 8 3 जा 24 एंड 5 2 जा 10 एंड कैरी कितना था 5 4 4 8 और 5 13 का 3 कैरी दिया, 1 2 और 1 3 एंड 2 5 एंड 1 6 63 का 3 और कैरी हमारे सामने क्या है 6। ये तीसरा स्टेप था। चौथी स्टेप वापिस पहले की तरह है, ये जो नंबर बच रहे हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 3 को 2 से 5 को 6, ये हमारी चौथी स्टेप है। और 5 6 जा 30 एंड 3 2 जा 6 6 and 6 12 कैरी 1 3 and 1 4 ये हमारे पास आ गया नंबर 42। 42 का हमने क्या रखा 2 और कैरी हमारे पास में क्या आ गई 4, कैरी हमारे पास 4 आ गई। आगे लास्ट कड़ी क्या बची हमारे पास, वो है 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18 में 4 हमने ऐड किया, तो 18 and 4 22। सो सिंपल। थोड़ा सा हमें जो नजारा है देखने का, जो व्यू है, बस उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वही, इतने बड़े मल्टीप्लाई को अगर हम वैसे जैसे सिंपल वे में जैसे पहले हम करते आ रहे थे उस तरीके से करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। अभी इतना समय आपको सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चुटकियों में हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, पहले स्टेप में 8 4 जा, दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरी स्टेप में फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट एंड फर्स्ट और मिडिल, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप में वापिस क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे मतलब हमने गुणा किया, और पांचवी स्टेप में ये, पांच स्टेप में पूरा सवाल कंप्लीट। बस छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर के हम बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। तो हमने आज की जो इस कड़ी में 2 डिजिट के और 3 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन उनको सीखा। चलो एक मल्टीप्लाई और लेता हूं आपके लिए, ठीक है। कोई सा हमने नंबर लिया, हमने नंबर लिया 9 1 3 एंड 1 4 3, कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं, अब उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें। देखिए फिर बता रहा हूं, यहां पर पहला काम क्या है, 3 3 जा
9। आप तो आप सीख गए होंगे, आप मेरे से पहले करके दिखा सकते हैं। 3 3 9 और 3 4 12 एंड 3 1 3 12 एंड 3 15 का 5 कैरी दिया 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 3। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 3 27। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1 4। ठीक है, ऐड करते हैं 3 1 4 4 4 8 7 15 5 1 2 1 3 35 का 5 और हमारे पास कैरी के रूप में क्या आ गया 3। अब वापस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहां किया था वैसे यहां करना है। 1 को 1 से 1, 9 को 4 से 9 4 36 36 and 1 37 37 and 3 40 40 का 0 कैरी क्या दिया हमने 4। 9 1 9 एंड 4 ऐड किया कितना हुआ 9 and 4 13। बोलो बच्चों समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। 2 अंकों के और 3 अंकों के कोई सा भी गुना हो उसको सिंपल से सिंपल मेथड के द्वारा आपको मैंने बताया। आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके द्वारा दिया गया जो प्रोत्साहन है उसी से और अगले वीडियोस तैयार करते हैं। आप जितना अधिक लाइक एंड शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।